गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्स फोर्स नो। सो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम LWC का यूज़ करके किस तरह से हमारे सेल्स फोर्स ऑर्ग में कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विदाउट कॉलिंग एपेक्स। मीन्स गाइस, इस वीडियो हम देखेंगे कि बिना एपेक्स कॉल किए हम कैसे एक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। एंड आने वाले वीडियो हम ये भी देखेंगे किस तरह से हम एक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं LWC थ्रू एपेक्स कॉल करके। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी LWC पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है यूट्यूब चैनल पे। अगर आप बिगनर हैं और आप अपना LWC का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ बिगनर, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिया है। तो गाइस, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे एक कॉम्पोनेंट है LWC कॉम्पोनेंट। ये एक्चुअली एक कस्टम फॉर्म मैंने क्रिएट किया है जिसपे मैं हम क्या करेंगे, ये फॉर्म क्या करता है गाइस, ये फॉर्म एक पर्टिकुलर अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ एक नाम SF नू। जैसे मैं इस क्रिएट अकाउंट बटन के क्लिक पे करूँगा तो देखना गाइस, एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा SF नू नाम का, जो कि किस ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा गाइस, अकाउंट ऑब्जेक्ट में। तो गाइस, अब दोस्तों जो भी रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है जिसका नाम है SF नू, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की रिकॉर्ड आईडी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। तो गाइस, चलते हैं हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में, देखते हैं हमारा ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है या नहीं। तो सिंपली चलता हूँ हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में एंड रिसेंटली वीडियो हम देखते हैं, तो आप गाइस देख सकते हो SF मूव नाम का एक रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। तो गाइस, आप ये वाला रिकॉर्ड आईडी जो यहाँ पे आपको टॉप में शो हो रहा है, आप ये वाला रिकॉर्ड आईडी, ये दोनों रिकॉर्ड आईडी आप मैच कर सकते हो, दोनों रिकॉर्ड आईडी सेम होंगे। तो गाइस, ये हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। एंड गाइस, ये रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हमने कोई भी एपेक्स क्लास का यूज़ नहीं किया है, प्योर LWC के यूज़ से हम ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। ये समझने से पहले कि रिकॉर्ड कैसे क्रिएट होता है LWC में बिना एपेक्स कॉल किए, हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका बेस क्या है, मीन्स वो किसके वजह से ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही है। तो गाइस, अभी आपको याद होगा कि मैंने पिछले मंथ 3 वीडियो अपलोड किया था लाइटनिंग डेटा सर्विस पे, कि लाइटनिंग डेटा सर्विस में जो 3 कॉम्पोनेंट हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, मीन्स रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, रिकॉर्ड रीड फॉर्म एंड रिकॉर्ड फॉर्म, वो कैसे क्रिएट करते गाइस। तो वो क्या था गाइस, वो लाइटनिंग डेटा सर्विस का एक पार्ट था, वो कॉम्पोनेंट था लाइटनिंग डेटा सर्विस का। तो सेम गाइस, उसी तरह से हमारे LWC में लाइटनिंग डेटा सर्विस हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, मीन्स एक JS लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं गाइस, हम जिसके थ्रू हम कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड और भी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बिना कोई एपेक्स कॉल क्रिएट, बिना कोई एपेक्स क्लास कॉल किए। तो गाइस, आपने करेक्ट समझा है, ये जो हमारा लाइटनिंग स्लैश UI API है, ये एक टाइप का मॉड्यूल है जो कि किसका पार्ट है गाइस, ये हमारे लाइटनिंग डेटा सर्विस का पार्ट है, जो कि गाइस किसके ऊपर बना है, यूजर इंटरफेस API बना है। तो गाइस, चलिए समझते हैं कि लाइटनिंग UI API एक्चुअल में है क्या। तो गाइस, जो ये लाइटनिंग UI API है, इसके पास कुछ वायर अडाप्टर्स एंड फंक्शंस होते हैं। तो गाइस, ये वायर अडाप्टर्स एंड जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन है गाइस, ये आपको पता होगा कि अभी आपको मैंने जैसा बताया कि ये लाइटनिंग डेटा सर्विस का एक पार्ट है, मीन्स लाइटनिंग डेटा सर्विस से बिल्ड है। एंड गाइस, इसके बिहाइंड में क्या यूज हो रहा है गाइस, हमारा यूजर इंटरफेस API, जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड क्रिएट, अपडेट, डिलीट करवा पा रहे हैं बिना कोई एपेक्स कॉल किए। वैसे सिंपली हमारे लाइटनिंग UI API में 3 टाइप्स के हमें मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली गाइस, होते तो 4 या 5 है, बट गाइस बाकी सब बीटा वर्जन में या फिर डुप्लीकेट हो चुके हैं। सिंपली जो हमारा पहला मॉड्यूल है लाइटनिंग UI ऑब्जेक्ट इन्फो API, गाइस हमारा किसी भी पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट का मेटाडेटा एंड पिक लिस्ट वैल्यू गेट करके देता है। देन गाइस, जो हमारा लाइटनिंग UI रिकॉर्ड API है, इस पे गाइस हम आज काम करने वाले हैं। गाइस क्या करता है, सिंपली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट, डिलीट, अपडेट या रिफ्रेश करने में हेल्प करता है, मीन्स उसी के थ्रू हम करते हैं। देन गाइस, थर्ड होता है हमारा लाइटनिंग UI लिस्ट API, इसके थ्रू क्या करते हैं गाइस, हम किसी पर्टिकुलर लिस्ट व्यू का डिटेल, मीन्स मेटाडेटा गेट कर सकते हैं। इसके वीडियो हम देखने वाले हैं कि लाइटनिंग UI रिकॉर्ड API किस तरह से यूज कर सकते हैं गाइस, क्योंकि हमारा जो क्रिएट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड जो फंक्शन है, ये तीनों के तीनों किससे प्रेजेंट है गाइस, हमारे लाइटनिंग UI रिकॉर्ड API मॉड्यूल में। तो गाइस, सिंपली हमें यही समझना है कि आज हम किस तरह से एक रिकॉर्ड क्रिएट करवा सकते हैं किसके यूज से गाइस, लाइटनिंग UI रिकॉर्ड API मॉड्यूल के हेल्प से। गाइस, आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे 3 ऑप्शन है एक्चुअली गाइस, बेसिकली इसे बहुत सारे मेथड्स है, सिर्फ ये 3 नहीं है, बट गाइस हम ये 3 कवर करने वाले हैं हमारे इस वीडियोज़ में, मीन्स ना इस वीडियो में नहीं, मीन्स हमारे इस यूट्यूब प्लेलिस्ट में, क्योंकि गाइस ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक है वो एक क्रिएट रिकॉर्ड, मीन्स हम अपने LWC में क्रिएट रिकॉर्ड मेथड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, सिंपली आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे क्रिएट रिकॉर्ड जो फंक्शन है उसे यूज करने लगा गाइस, हमें ये सिंपल सा सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें हमारा क्रिएट रिकॉर्ड मॉड्यूल इम्पोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ से गाइस, लाइटनिंग स्लैश UI रिकॉर्ड API लाइब्रेरी के हेल्प से।
देन गाइस हमारा जो सिंटेक्स है क्रिएट रिकॉर्ड मेथड इंप्लीमेंट करने का, वो सिंपल सा है, हमें एक रिकॉर्ड इनपुट प्रोवाइड करना है जिसके रिजल्ट में गाइस हमें क्या आएगा, जिसके रिस्पॉन्स हमें एक प्रॉमिस मिलेगा, उस प्रॉमिस में हमारे सारे सारे रिकॉर्ड की डिटेल प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी रिकॉर्ड हम क्रिएट किए होंगे हमारे इस पर्टिकुलर LWC कॉर्पोरेट से। आई नो गाइस आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए होंगे ये सिंटेक्स देख के, बट गाइस बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो गाइस बहुत सारी बातें होगी, अब चलते हैं हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, हमें एक ये फॉर्म टाइप क्रिएट करना है जिसमें हमें टू फील्ड्स मैसेज करना है, जो ID होगा वो डिसेबल्ड होगा एंड जो नेम होगा वो हमारा टेक्स्ट फील्ड का होगा, एंड हमें एक बटन क्लिक करना है, मीन्स हमें एक बटन क्रिएट करना है जिससे क्लिक पर क्या होगा गाइस कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस उसके लिए सिंपली चलता हूँ मैं अपने VS कोड में। तो गाइस ये मैं अपना VS कोड ओपन कर लिया जहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना एक Salesforce प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है Salesforce नोड नाम से। तो गाइस अगर आप कन्फ्यूज है कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो ऑलरेडी गाइस मैंने इस पर एक वीडियो क्रिएट कर चुका है, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, तो उसका सेशन आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा। गाइस सिंपली हमें क्या करना है, हमें एक LWC कॉम्पोनेंट क्रिएट करना है, सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V ने सिंपली क्रिएट लाइटनिंग वेब कॉम्पोनेंट ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस कॉम्पोनेंट नाम मेंशन करना चाहता हूँ क्रिएट रिकॉर्ड विदाउट एपेक्स, सिंपल गाइस ये हमारा LWC कॉम्पोनेंट नेम होगा, सिंपली इंटरनेट करना है। तो गाइस हमारा लाइटनिंग वेब कॉम्पोनेंट का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, हमें सबसे पहले चलना है अपने मेटा एक्सेल फाइल में, तो इज एक्सपोज्ड वैल्यू हमें ट्रू मैंशन कर देना है, देन हमें एक टैग मैंशन करना है जिसका नाम होगा टारगेट्स, देन गाइस टारगेट्स टैग के अंदर हमें क्या आता है, टारगेट्स टैग के अंदर हमें मैंशन करना है हमारा कि हमारा जो LWC कंपोनेंट है वो किस पर्टिकुलर पेज में यूज़र शो होगा। तो गाइज आप देख सकते हो हमारे इस डेमो में हम कहाँ पर यूज़र शो करवा रहे हैं, होम पेज पे। सिंपली हमें गाइज टारगेट टैग के अंदर क्या मैंशन करना है, लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर होम पेज। तो गाइज ये जो हमारा मेटेक्सल फाइल है ये हमारे LWC को ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर LWC है वो यूज़र को किस पेज पर शो हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर हमने टारगेट में लाइटनिंग होम पेज मैंशन कर दिया है, तो हमारे जो LWC कंपोनेंट है ये यूज़र को सिर्फ और सिर्फ होम पेज पर मैं शो होगा। तो सिंपली गाइस हमारा मेटेक्स और फाइल का काम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं चलता हूँ सिंपली अपना HTML फाइल एंड JS फाइल ओपन कर लेता हूँ। सिंपली चलता हूँ सबसे पहले HTML फाइल में, हमें क्या करना है सबसे पहले कार्ड क्रिएट करना है राइट। सिंपली चलता हूँ मैंशन करता हूँ लाइटनिंग हाइफन कार्ड एंड देन टाइटल मैंशन करता हूँ क्रिएट रिकॉर्ड विदाउट एपेक्स, एंड सिंपली मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देन सिंपली गाइज अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सिंपल सा डिव लेना चाहूँगा, ताकि गाइज जो हमारा प्रॉपर वे में दिखे, जैसे इस तरह से आप देख सकते हो प्रॉपर लाइनिंग एंड प्रॉपर पेडिंग है, तो उस तरह से प्रॉपरली दिखना चाहिए। सिंपली मैं एक SNDS लाइब्रेरी मेंशन करना चाहता हूँ, सिंपली SNDS हाइफन एम हाइफन अराउंड अंडरस्कोर मीडियम मीडियम, सिंपल सा गाइज हमारा ये काम हो चुका है। अब हम चलते हैं, हमें क्या करना है गाइज, हमें 3 फील्ड्स क्रिएट करना है, मीन्स 2 फील्ड क्रिएट करना है और एक बटन क्रिएट करना है। सिंपली चलता हूँ हमारा फर्स्ट फील्ड क्रिएट करते हैं लाइटनिंग लाइटनिंग हाइफन इनपुट गाइस, इस फील्ड का जो लेबल होगा उसका क्या नाम मेंशन करना है हमें, उसका मेंशन कर देंगे ID। तो सारे गाइस थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सिंपली इसे मैं क्लोज कट करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ। गाइस हमारा लेबल हो गया ID, गाइस जो हमारा फील्ड होगा किस टाइप का होगा गाइस, ये डिसेबल्ड होगा ताकि गाइस हमारा जो रिकॉर्ड ID है वो यूज़र एडिट ना कर पाए। देन गाइस सिंपली चलता हूँ एक वैल्यू नाम का प्रॉपर्टी लूँगा गाइस, इस वैल्यू में हमारा जो अकाउंट ID है वो जाके स्टोर हो जाएगा, जो भी अकाउंट मीन्स गाइस जो भी हमारा रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसका जो रिकॉर्ड ID है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू प्रॉपर्टी के थ्रू यूज़र को डिस्प्ले होगा। तो इस वैल्यू प्रॉपर्टी में मैंशन करता हूँ अकाउंट ID, क्योंकि गाइस हम अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले राइट। सो गाइस सिंपली मैं इसे क्लोज करता हूँ, हमारा लाइटनिंग इनपुट क्रिएट हो चुका है ID के लिए, सिंपली इसी को मैं कॉपी करता हूँ सिंपली नीचे पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे लेबल का नाम मेंशन करता हूँ नेम, एंड ये डिसेबल यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि गाइस इसमें मुझे वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा, एंड गाइस यहाँ पे मुझे ये वैल्यू प्रॉपर्टी की नीड नहीं है क्योंकि गाइस सिंपली हम इसमें वैल्यू एंटर करवाएंगे यूजर के थ्रू राइट। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें ऑन चेंज इवेंट यूज़ करना पड़ेगा कि यूज़र जब भी उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी वैल्यू मेंशन करे तो हम उस इस पर्टिकुलर इवेंट थ्रू वो सारे सारे वैल्यूज क्रिएट कर देंगे। सिंपली क्या करना है गाइस, मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पास करना है, मीन्स एक फंक्शन पास करना है, तो उस फंक्शन नाम मेंशन कर देता हूँ सिंपल हैंडल नेम चेंज। देन गाइस सिंपली चलना है या अभी मैं क्लास देना चाहूँगा जिससे गाइस वो थोड़ा प्रॉपर शो, तो गाइस रह देता हूँ क्लास अभी के लिए, डिजाइनिंग पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा कम फोकस करता है। देन सिंपली चलते गाइस हमारा लाइटनिंग आईफन
बटन, हमारा LLC बटन क्रिएट चुका है। तो गाइस इसका सिंपली मैं लेवल मेंशन करना चाहूँगा, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। गाइस सिंपली ये भी बाहर मेंशन हो गया, सिंपली कट करता हूँ, नीचे यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ। देन गाइस सिंपली इसका मैं वेरिएंट देना चाहूँगा, मिस बटन का जो कलर होगा वो क्या होगा गाइस, उसे मैं डार्क ब्लू रखना चाहता हूँ, तो सिंपली वेरिएंट मेंशन कर दूंगा ब्रांड। देन गाइस सिंपली यहाँ पे भी मैं एक ऑन क्लिक हैंडल पास करूंगा, मिस जब भी वो बटन क्लिक हो तो एक मेथड कॉल होना चाहिए, तो जो मेथड का नाम होगा गाइस उसका मेथड का मैं मेंशन करता हूँ हैंडल क्रिएट अकाउंट, सिंपली आप मेंशन करता हूँ क्रिएट अकाउंट। तो गाइस ये सिंपली मैं क्रिएट अकाउंट मेंशन हूँ तो समझ नहीं आएगा कि ये हैंडल मेथड है, सिंपली मेंशन करता हूँ हैंडल क्रिएट अकाउंट। तो गाइस ये परफेक्ट रहेगा, सिंपली मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो गाइस इस तरह से हमारा लैटिन बटन भी क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, हमें चलना है अपने JS फाइल में, जो भी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है वो सारी सारे वहाँ पे डिफाइन करना है। सबसे पहले मैं चलता हूँ, हमारा ये अकाउंट आईडी कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। देन गाइस जो हमारा ये हैंडल नेम चेंज है इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, एंड सिंपली यहाँ पे आके यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, एंड इसके अंदर एक इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। फिर गाइस इसी फंक्शन के अंदर हम वो सारे सारे वैल्यू गेट करेंगे जो भी यूज़र इस पर्टिकुलर नेम फील्ड में इनपुट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो सारे सारे वैल्यू कहाँ गेट करेगा गाइस, इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। वो कैसे गेट करेगा गाइस वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देन चलता हूँ सिंपली ये बटन वाला जो मेथड है इसे सिंपली आप कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस ये हमारा JS फाइल का स्ट्रक्चर रेडी है। तो गाइस यहाँ पे हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्या गाइस, क्रिएट क्रिएट रिकॉर्ड नाम का मॉड्यूल हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से इम्पोर्ट करना पड़ेगा गाइस, लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर लाइटनिंग स्लैश UI रिकॉर्ड API से। गाइस सिंपली हमारा क्रिएट रिकॉर्ड मेथड इम्पोर्ट हो चुका है और हम इसे सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि यूज़र जो भी वैल्यू यहाँ पर मैंशन कर रहा है वो हमें गेट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसका नाम मेंशन कर दूंगा नेम। गाइस इस नेम में हम वो सारी सारी वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो भी यूज़र उस पर्टिकुलर नेम इनपुट फील्ड में एंटर करेगा। तो गाइस आप चेक करो, जब भी यूज़र इस फील्ड में कुछ भी मेंशन करेगा तो क्या हो रहा है गाइस, इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, राइट। तो गाइस वो हम कहाँ ट्रैक कर रहे हैं आप देख सकते हो, उस पर्टिकुलर इनपुट में जो इनपुट फील्ड है नेम वाला उसमें हम एक ऑन चेंज मेथड पास किए जिसके अंदर हमें एक फंक्शन पास किया हैंडल नेम चेंज नाम का। गाइस यहाँ पे नेम जो होगा ये केवल केस में होगा, सिंपली से मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। अब परफेक्ट गाइस, तो सिंपली इस फील्ड में हमें इस मेथड को कॉल होते ही हमें वो वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे वैल्यू मिलता है गाइस, सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें वो वैल्यू इसमें स्टोर करवाना है नेम प्रॉपर्टी में। सिंपली इसके लिए मैं चलता हूँ, यहाँ मैं चलता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल्स इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बस गाइस इतना मेंशन करते ही हमारा जो यूज़र है जो भी वैल्यू इंटर करेगा उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड में वो सारे सारे कहाँ स्टोर हो जाएंगे, इस नेम फील्ड में। तो गाइस इससे मैं आपको शो करवा के मैं शो करवा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़ ना हो। सिंपली चलता हूँ, उसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लॉग में हमारे पेस्ट करता हूँ। सिंपली इसे जेसन डॉट स्ट्रीमिफाई के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस ये हमारा काम हो चुका है। तो सबसे पहले गाइस चलते हैं हम इस अपने कंपोनेंट डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं ये दिख कैसा रहा है। तो गाइस हमारा LLC कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है, मैं चलता हूँ अपने सेल्स में, एंड यहाँ गेयर अकाउंट भी सिलेक्ट करना है एंड देन एडिट पेज भी सिलेक्ट करना है। तो गाइस सिंपली इस तरह से हमारा ऐप बिल्डर ओपन अप किया जाता है। जब भी हम एडिट पेज पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारा जो कस्टम कॉलम है उसके अंदर हमारा सारे सारे डिप्लॉयड LLC कॉम्पोनेंट हमें शो होते हैं। तो हमारा जो कॉम्पोनेंट नाम है वो क्या है गाइस, क्रिएट रिकॉर्ड विदाउट एपेक्स। सिंपली हमें देखना है यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड विदाउट एपेक्स, सिंपली गाइस ये रहा हमारा कॉम्पोनेंट, सिंपली यहाँ से ड्रैग यहाँ पे सिंपली ड्रॉप करना है, देन सिंपली हमें यहाँ से सेव कर देना है। सेव होते गाइस हमें सिंपली बैक पे क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो न्यू फॉर्म एक क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे नेम फील्ड है। तो अगर मैं आपको कंसोल में लेकर चलूँ यानी इसे मैं क्लियर करता हूँ, तो यहाँ पे यूज़र जो भी मेंशन करेगा आपको यहाँ दिखना चाहिए। गाइस आप देख सकते हो यूज़र जो भी मेंशन किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है कंसोल में। तो गाइस ये वैल्यू कहाँ से मिल रही है, ये वैल्यू यहाँ से शो हो रही है आपको। गाइस हमारा काम हो चुका है, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है गाइस, यूज़र इसमें जो भी नाम मेंशन करे एंड जैसे ये बटन क्लिक करे राइट क्रिएट अकाउंट, तो एक अकाउंट में रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए किस नाम का, जो भी नाम यहाँ पे यूज़र एंटर कर रहा है, एंड वो आईडी यहाँ पे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी यहाँ पे इस
पर्टिकुलर आईटी फील्ड में डिस्प्ले हो जाना चाहिए यूज़र को। तो गाइस वो कैसे होगा, सिंपली कहा जाता है तो हमारा जो ये बटन है लाइटनिंग बटन, इस पर मैंने एक मेथड पास किया जिसका नाम है हैंडल क्रिएट अकाउंट। सिंपली गाइस वो हैंडल क्रिएट अकाउंट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। गाइस अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले दो काम करने पड़ेंगे। हमें सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस वो किस तरह से इंपोर्ट करता है वो पता होगा, मैंने अपने लाइटनिंग डेटा सर्विस का जो वीडियो अपलोड किया था रिकॉर्डेड फॉर्म एंड रिकॉर्ड व्यू फॉर्म में, उसमें हम आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मैं अगेन आपको बताता हूँ। तो सिंपली हमें क्या करना है, इम्पोर्ट देन हमें कोई नेम मेंशन करना है, तो यहाँ पर मैं नेम मेंशन कर जाऊँगा अकाउंट अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट। देन गाइस इसे हमें कहाँ से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम सेल्सफोर्स स्कीमा। राइट गाइस हमें यहाँ इसे इम्पोर्ट करना पड़ता है कहाँ से गाइस, सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा। एंड स्कीमा में से गाइस जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपको एपीआई नेम चाहिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। सिंपली गाइस इस तरह से करते हैं कि हम अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम गेट कर लेते हैं किसमें, अकाउंट ऑब्जेक्ट में। एंड गाइस हमें क्या करना है, हमें फील्ड इम्पोर्ट करना है। कौन सा फील्ड गाइस, हम यहाँ पे नेम फील्ड के थ्रू क्रिएट करवा रहे रिकॉर्ड, राइट। तो हमें नेम फील्ड भी यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो उसे इम्पोर्ट करने के लिए क्या करना है गाइस, सिंपली चलता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मेंशन करता हूँ नेम अंडरस्कोर फील्ड। एंड उसे कहाँ से इम्पोर्ट करना है गाइस, अगेन सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा स्लैश अकाउंट का एपीआई नेम डॉट फील्ड का एपीआई नेम। तो गाइस इसके थ्रू हमने क्या किया, हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट का जो नेम फील्ड है उसका एपीआई गेट कर लिया, उसका रेफरेंस यहाँ पे गेट कर लिया। गाइस सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, चलना है अपने इस हैंडल क्रिएट अकाउंट मेथड के अंदर जो कि बटन क्लिक होते ही कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है गाइस, हमें यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिस ऑब्जेक्ट का मैंशन कर देता हूँ फील्ड्स। आप कुछ भी मैंशन कर सकते हो गाइस, तो गाइस आप यहाँ पे कुछ भी मैंशन कर सकते हो, बट मैंने फील्ड्स मैंशन किया है गाइस क्योंकि इसमें मैं फील्ड का रेफरेंस पास करने वाला हूँ। तो गाइस हमारा ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है फील्ड्स नाम का। तो सिंपली चलता हूँ फील्ड्स के अंदर, हम क्या एक्सेस कर सकते हैं गाइस, हमारा अकाउंट ऑब्जेक्ट का वैल्यू, राइट। तो गाइस इसको मैं एज ए एरे पास करता हूँ, मीन्स ये ऑब्जेक्ट नोटेशन कहलाता है जावास्क्रिप्ट में। सिंपली जो हमारा नेम फील्ड आता है, तो हमने यहाँ पे नेम फील्ड पास किया है, सिंपली इसे कॉपी करना है आपको एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है नेम फील्ड डॉट फील्ड एपीआई। मतलब जो भी पर्टिकुलर वो फील्ड है जो कि अकाउंट ऑब्जेक्ट का है, मीन्स अब जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फील्ड का एपीआई नेम रेफरेंस दे रहे हो आप, इस पर्टिकुलर फील्ड का फील्ड एपीआई नेम के थ्रू हम ये एक्सेस कर पा रहे हैं। आप देख सकते हो गाइस नेम फील्ड डॉट फील्ड एपीआई नेम। एंड इसके अंदर हमें क्या है स्टोर करवाना है गाइस, इस पर्टिकुलर फील्ड में हमें वो वैल्यू स्टोर करवाना है जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जाके स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं गाइस, नेम फील्ड इम्पोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो गाइस नेम फील्ड का फील्ड एपीआई नेम में क्या स्टोर करवा दो, वो वैल्यू स्टोर करवा दो जो कि उस रिकॉर्ड में स्टोर हो जाएगी नेम फील्ड में। तो हम कौन सा वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं गाइस, हम वो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं जो कि यूज़र इस फील्ड में इंटर करेगा इस नेम फील्ड में। और वो जो वैल्यू इंटर कर रहा है यूज़र इस नेम फील्ड में वो कहाँ एक्सेस हो रहा है गाइस, वो हम स्टोर करवा रहे हैं इसमें दिस डॉट नेम में। तो सिंपली इसे मैं कॉपी करूँगा एंड इसे आप पास कर दूंगा। तो सिंपली गाइस इस लाइन का ये मतलब है कि नेम फील्ड में अकाउंट के नेम फील्ड का जो एपीआई नेम है उसके अंदर क्या पास कर दो, उसके फील्ड के रेफरेंस में इसकी ये वैल्यू पास कर दो, मीन्स ये वैल्यू स्टोर करवा दो। सिंपली गाइस हमारा जो फील्ड का काम है ये प्रॉपर वर्क हो चुका है। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, इसे भी आपको कंसोल करवा दूंगा कि इस फील्ड में हमें शो क्या हो रहा है। सिंपली चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग में एंड इसके अंदर मैं पास करना चाहूँगा गाइस हमारा ये फील्ड। अब जैसे तो ये फील्ड हमने ऊपर एज ए एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास किया है, तो गाइस ये आपको यहाँ पे शो करवाना चाहूँगा मैं हमारे इस कंसोल लॉग में। सिंपली गाइस ये आपको शो हो जाएगा जब मैं आपको शो करूँगा डेमो के टाइम। अब गाइस सिंपली हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड क्रिएट करना है, मीन्स रिकॉर्ड इनपुट लेना है। वो रिकॉर्ड इनपुट में गाइस हमारे दो चीज़ें होंगे, फर्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम, सेकंड हमारा वो फील्ड का वैल्यू जो कि हम वहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं। सिंपली क्या करना है गाइस, हमें एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करना है, किस नाम का, रिकॉर्ड इनपुट नाम का। सिंपली गाइस इस रिकॉर्ड इनपुट नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमें एज ए ऑब्जेक्ट दो चीज़ें पास करनी है। फर्स्ट गाइस जो मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट जो होगा हमारा एपीआई नेम, मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारा अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, राइट। तो यहाँ पे हम अकाउंट ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम पास करेंगे। अगर कॉन्टैक्ट का कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट का एपीआई पास करें, तो जिस भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करवाना चाहते हैं हम, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का एपीआई नेम आप पास करेंगे। एंड वो एपीआई नेम आप कहाँ गेट कर रहे गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे आप गेट कर रहे हो पी आर इम्पोर्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेल्सफोर्स एक्सप्लेन। तो गाइस सिंपली इसमें मैं पास करना चाहूँगा एक एपीआई नेम कॉलन में क्या पास करना चाहूँगा गाइस, ये जो मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है अकाउंट ऑब्जेक्ट, सिंपली इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे मैं इसे पास करता हूँ एंड डॉट
कुमार सिंह की ऑब्जेक्ट एपीआई है। तो सिंपली गाइस इतना मेंशन करते ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो भी हमने इंपोर्ट किया उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एपीआई नेम का डिफरेंस हमें यहाँ पे मिल गया है, वो कहाँ पास कर देगा इस एपीआई नेम में। एंड सेकंड गाइस हमें क्या पास करना है, हमारा फील्ड का एपीआई नेम। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा फील्ड का एपीआई नेम में हम ऑलरेडी वो वैल्यू पास कर चुके हैं दिस डॉट नेम के थ्रू जो कि हमें स्टोर करवाना है। एंड वो हम कहाँ स्टोर करवा चुके हैं गाइस, इस फील्ड ऑब्जेक्ट में जो कि गाइस हमने कहाँ क्रिएट किया है जस्ट उसके ऊपर। तो सिंपली गाइस हमें यहाँ पे वो फील्ड का रेफरेंस पास कर देना है। तो सिंपली किस तरह से पास करेंगे, सिंपली फील्ड्स इस तरह से पास। तो गाइस सिंपली हमारा ये काम हो चुका है, मे से सिंपली हमारा रिकॉर्ड इनपुट डिलीट हो चुका है। अब सिंपली क्या करना गाइस, हम जो लास्ट काम है हमारा वो सिंपली है ये क्रिएट रिकॉर्ड मेथड कॉल करना। सिंपली चलता उसे कॉपी करता हूँ नीचे आप पास करता हूँ। अब इसे कैसे क्रिएट करते गाइस आप ध्यान रखना, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, आपने सिंटेक्स में देखा होगा कि क्रिएट रिकॉर्ड के अंदर हम एक रिकॉर्ड इनपुट पास कर रहे हैं। तो गाइस सिंपली हमने अपना रिकॉर्ड इनपुट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है जिसमें क्या पास कर रहे गाइस, ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम एंड ऑब्जेक्ट का फील्ड एपीआई नेम और उसका वैल्यू। तो गाइस सिंपली वो हमने कहाँ स्टोर करवा लिया है, हमारे रिकॉर्ड इनपुट में। सिंपली हम वही रिकॉर्ड इनपुट यहाँ पास कर मीन्स ये क्रिएट रिकॉर्ड मेथड कॉल करते हैं। तो गाइस हमें एक रिस्पॉन्स आता है हमारे LWC की साइड से, मीन्स लैटिन डेटा सर्विस की साइड से, मीन्स एक प्रॉमिस आता है। जैसे कि गाइस हम इंपरेटिव मेथड कॉल करते हैं ना एपेक्स में, तो वो एसिंक्रोनस कॉल होता है, तो हमें वहाँ से रिस्पॉन्स आता है एज अ प्रॉमिस। तो सेम गाइस यही सीन वो सीन यहाँ पे भी है। सिंपली उस प्रॉमिस को हम किस तरह से गाइस रिसीव करते हैं, देन कीवर्ड का यूज़ करके। सिंपली चलता हूँ डॉट डेल एंड इसके अंदर मैं कुछ भी पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं अकाउंट पास कर दे रहा हूँ एंड फैटर ऑफ फंक्शन यूज़ करके। सिंपली गाइस ये जो अकाउंट मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है इस अकाउंट में, वो सारी सारी रिकॉर्ड की डिटेल आ गई जो कि रिकॉर्ड इस फील्ड के थ्रू क्रिएट होंगे। मीन्स जो भी रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे इस फॉर्म के थ्रू वो सारी सारी वो रिकॉर्ड की डिटेल्स कहाँ स्टोर हो जाएंगे गाइस, इस पर्टिकुलर अकाउंट नाम के रिस्पॉन्स में। सिंपली गाइस एक काम करता हूँ, इसे ही मैं कंसोल करवा देता हूँ ताकि आपको वो भी प्रॉपर मैं शो करवा सकूँ कंसोल में कि ये दिख रहा है सारा होगा। सिंपली चलता हूँ इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। गाइस अभी एक और काम बाकी आप देख सकते हो, ये जो अकाउंट आईडी जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है जो भी कहाँ पे यूज़ किया गाइस, हमने इसे एज ए वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ किया है कहाँ पे, हमारे आईडी फील्ड में जो कि डिसेबल्ड है। तो गाइस हमें इस अकाउंट आईडी प्रॉपर्टी में क्या पास करना है, जो भी रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे उसकी आईडी, वो गाइस हमें कब आएगी, जब रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस जब भी रिकॉर्ड यहाँ से क्रिएट होगा तो वो रिकॉर्ड जो क्रिएट हो रहा है उसका डिटेल कहाँ पे आ रहा है गाइस, अब जस्ट मैंने आपको बताया था इस रिस्पॉन्स में, इस रिस्पॉन्स का नाम है अकाउंट, जिस रिस्पॉन्स का नाम मैंने रखा है एज अ अकाउंट। तो गाइस इस अकाउंट नाम के पैरामीटर में वो सारे सारे डिटेल्स आ जाएंगे उस पर्टिकुलर क्रिएटेड रिकॉर्ड का। तो गाइस सिंपली मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट अकाउंट आई डी मीन्स जो हमारा अकाउंट आई डी नाम का जो हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया ऊपर, तो उसमें क्या स्टोर करवा दो गाइस, हमारा जो अकाउंट नाम का रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें जो आई डी फील्ड है उसका वैल्यू पास स्टोर करवा दो। सिंपली गाइस इतना पास करते ही हमारा जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसका जो आई डी है वो स्टोर हो जाएगा कहाँ गाइस, इस पर्टिकुलर अकाउंट आई डी फील्ड में। गाइज यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, बट गाइज अभी एक लास्ट चीज़ बाकी है। जब भी आपको प्रॉमिस रिटर्न होता है तो गाइज जरूरी नहीं कि हमेशा वो सक्सेसफुली आपको प्रॉमिस ही रिटर्न कर दे, वो कभी कभी आपको एरर मीन्स कुछ एरर आता है तो आपको एरर भी थ्रो करता है। तो गाइज वो एरर कैसे हैंडल करते हैं गाइज, सिंपली कैश ब्लॉक यूज़ करते हैं। सिंपली चलता हूँ कैश ब्लॉक में, हमारा जो एरर है उसे हैंडल करते हैं। सिंपली यहाँ चलना है, सिंपली यहाँ पे इस तरह से पास कर देना है सिंपली कंसोल डॉट एरर एंड हमारा एरर शो कर दो यूज़र को। तो सिंपली आप मैंशन कर देंगे एंड इसे जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल में शो करवा देंगे। तो गाइज ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं इसे डिप्लॉय करते हैं। तो गाइज अभी आप सोच रहे होंगे कि जो टोस्ट है मीन्स जो ग्रीवी वाला टोस्ट है वो तो हमने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। तो गाइज वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि वो कैसे क्रिएट करते हैं, उस वीडियो का सेशन आपको राइट कमेंट में आ रहा होगा एंड उसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुका हूँ। तो गाइज आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि वो टोस्ट नोटिफिकेशन कैसे क्रिएट होता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि टोस्ट नोटिफिकेशन क्या होता है तो गाइज वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। सिंपली गाइज हमारा जो AWS कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है, मैं चलता हूँ हमारे सेसो सॉल्व में एंड इसे सिंपली एम्प्टी कैश एंड हार्ड ड्राइव लोड करता हूँ। तो गाइज हमारा AWS कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है, मैं चलता हूँ यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो अकाउंट नाम मैंशन करता हूँ SF नूब अकाउंट, सिंपली मैंने नाम मैंशन कर दिया। तो आप देख सकते हो गाइज मैं नाम मैंशन कर दिया, जैसे अब मैं क्रिएट अकाउंट बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए। तो आप गाइज देख सकते हो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का आइडिया मैंशन हो रहा है यूज़र को। गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कंसोल हम करवा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने कंसोल क्या मैंशन करवाया है, सबसे पहले हमारा कंसोल है फील्ड्स की, जो फील्ड आपका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो अगर आप देख सकते हो जो हमारा फील्ड्स नाम की वैल्यू है उसमें हम एक प्रॉपर्टी स्टोर करवा रहे हैं नेम नाम का, मीन्स हमारा जो फील्ड का API नेम है वो है नेम एंड उसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं क्या गाइस, SF नो अकाउंट।
जो गाइस यूजर के थ्रू इस फील्ड में मेंशन किया गया है। तो गाइस ये हमारा प्रिंट हो गया। एंड गाइस जो भी क्रिएट रिकॉर्ड मेथड कॉल होते हैं, जो भी रिकॉर्ड पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है ये एस एफ मूव अकाउंट नाम का, उसकी सारी सारी डिटेल कहाँ स्टोर होगी गाइस, इस पर्टिकुलर प्रॉमिस में, मिस रिस्पॉन्स में, जो कि अकाउंट पैरामीटर में स्टोर है। गाइस आप देख सकते हो, उसको मैंने कंसोल्ट कराया तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की सारी सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। गाइस इस डिटेल में से आईडी नाम का जो फील्ड है उसकी वैल्यू मैंने कहाँ स्टोर करवा दिया, अकाउंट आईडी में। एंड वो वैल्यू आप कहाँ शो हो रहा है गाइस, या ऊपर आईडी वाले फील्ड में, रिकॉर्ड आईडी। तो गाइस इस तरह से हमारा ये रिकॉर्ड क्रिएट होता है बिना एपएस कॉल किए। तो गाइस अब मैं चलता हूँ हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में, देखते हैं वो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ भी है या नहीं। सिंपली चलता हूँ अकाउंट ऑब्जेक्ट ओपन करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो एस एफ नूब नाम का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसका जो रिकॉर्ड आईडी है एंड इसका जो रिकॉर्ड आईडी है वो आप गाइस मैच कर सकते हो इस लिंक पॉज करके। बस इस ये था हमारा क्रिएट रिकॉर्ड विदाउट कॉलिंग एपेक्स इन एलडब्ल्यूसी। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड अपडेट कैसे करें बिना एपेक्स कॉल किए। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।